JS Academy, Pallapuram Phase 1, DH, affiliated pre-nursery to 7th class. आप देख रहे हैं न्यूज़, हमें JS Academy में हमारे साथ है एमडी राजेश जोड़े जी, जो हमें बताएंगे कि स्कूल की फैसिलिटीज के बारे में। और JS Academy का पहला ही सेशन है और पहले सेशन में हमारे पास बहुत अच्छे स्टूडेंट मिली हमें पहले सेशन जैसा था उस हिसाब से, और हमारे यहाँ पर वेल क्वालिफाइड टीचर्स हैं जी, जो बहुत अच्छा बच्चों की केयरिंग करते हैं जी। जो छोटे बच्चे हैं उनकी जस्ट लाइक मदर केयर होती है हमारे यहाँ पर, जैसे टीचर्स हैं उसी तरह से केयर होती है। फीस स्ट्रक्चर हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा है, जो पेरेंट्स इसीलिए फीस स्ट्रक्चर हमारा अच्छा है इसीलिए बहुत अच्छी हमें सफलता मिली जी, जो हमें पहले ही सेशन में 600 प्लस स्टूडेंट मिले हैं थ्रू LKG, क्योंकि हमारा पहला सेशन तो हमारा जी LKG से लेके हम 7th क्लास तक है, इस साल हमें 8th क्लास तक लेके जाएंगे इस स्कूल को। और हमारे यहाँ पर बहुत अच्छा स्टाफ है, हमारे यहाँ बच्चों को ओवरऑल डेवलपमेंट में स्पोर्ट्स में भी है, हमारे बच्चे अभी कराटे में गोल्ड मेडल लेके आए, ट्रॉफी उठा के लेके आए हैं गोल्ड मेडल। हाँ। कौन सी क्लास के बच्चे हैं ये? इसमें फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ क्लास के बच्चे, फिफ्थ सिक्स और सेवन्थ। हाँ जी सर, ये कहाँ पर हुआ था? ये मेरठ में हुआ था 26 या 27 दिसंबर में, 26-27 दिसंबर में। हाँ, देखिए हमारे यहाँ पे बच्चे फुटबॉल, बैडमिंटन, शूटिंग और कराटे, म्यूजिक, सभी तरह की बच्चों को ट्रेनिंग दी जाती है और सभी के अच्छे प्रशिक्षक स्कूल के पास हैं जी। और सर हाँ, प्ले किड्स के लिए हमारे पास बहुत अच्छा एक्टिविटी रूम है, हमारे पास बहुत अच्छा एक्टिविटी रूम है और हमारे बहुत अच्छे टीचर्स हैं जो बच्चे को शुरू से ही सारी चीजें सिखाते हैं। मैं अपने क्षेत्र के वासियों को दूंगा जिन्होंने हम पे विश्वास किया और उनके विश्वास को हम पूर्ण रूप में बनाए रखेंगे। और चूंकि चेयरमैन साहब एक दूरदृष्टा है, उनकी दूरदृष्टि है, उस हिसाब से सोच के उसके बाद उनका क्रेडिट हमारे जो ग्रुप के चेयरमैन है, जेएस ग्रुप इंस्टीट्यूट चेयरमैन श्री सुभाष गुर्जर जी हैं, उनका क्रेडिट दूंगा मैं सबसे पहले अपने क्षेत्र के नागरिकों को जिन्होंने हमें विश्वास रखा और उनके विश्वास को हम बनाए रखे हैं। हाँ, मैं अपने स्टूडेंटों के लिए हमेशा का उज्जवल भविष्य की कामना करूंगा और उनसे यही वादा करूंगा कि आपको यहाँ अच्छे से अच्छी हम शिक्षा देंगे, आपको अच्छे से संस्कार देंगे। सर नहीं, आप जो बात करें बिल्कुल सत्य है, हम अच्छी एजुकेशन दे रहे हैं, अच्छी एक्टिविटी करा रहे हैं बच्चों को, क्योंकि हम अपने बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट चाहते हैं जिससे कि उसे भविष्य में जो हैं वो आशा और उनकी आकांक्षाएं परिपूर्ण हो सके जी। और उनको मनोबल हाँ बिल्कुल नहीं टूटेगा सर, हम इस चीज के लिए कमिटेड हैं कि हम अपने पेरेंट्स का मनोबल ना करें। गणतंत्र दिवस के मौके पर अपने क्षेत्रवासियों को हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूँ और मैं अपने आदरणीय चेयरमैन साहब की तरफ से भी अपने क्षेत्रवासियों को शुभकामना देना चाहता हूँ। हमें गणतंत्र बड़ी उसके बाद संघर्षों के बाद मिला है, तो मेरी सभी क्षेत्रवासियों से उम्मीद भी है कि वो अपने गणतंत्र दिवस को बड़े उससे मनाएंगे और अपने देश को आगे बढ़ाएंगे।